के न्यूज खबरों की नई पहचान। शिक्षा विभाग के हिदायत के बावजूद धनबाद के निजी विद्यालयों में छात्रों के साथ शिक्षक के द्वारा मारपीट का मामला आए दिन सुनने को मिलता है। ताजा घटनाक्रम में ईस्ट कॉन्वेंट स्कूल भूदा के एक छात्र को अंग्रेजी के शिक्षक संदीप कुमार के द्वारा पिटाई का मामला सामने आया है। घटना के बाद लगभग आधा दर्जन परिजनों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया और आरोपी शिक्षक पर कार्रवाई की मांग की। लास्ट बेंच में बैठे हैं तो सर आए थे लिखवाने के लिए, तो आगे करके बैठा है, खाली बेंच था तो उसी में सर लिखवा रहे थे, तो फर्स्ट क्वेश्चन छूट गया था। 5 क्वेश्चन टोटल लिखवाए थे, तो फर्स्ट क्वेश्चन छूट गया तो सर को बोले सर फिर से रिपीट कीजिए, तो रिपीट किए तो नहीं समझ में आ रहा, तो सर बोले कि हम बोले कि सर छोड़ दीजिए, बोला नहीं हो रहा है, तो बोले सर बोले कि पावर ही नहीं है तो लिखेगा कहाँ से। तो उसके बाद कान पकड़ के लेके गए, 6th क्लास एक स्टूडेंट उठा के लेके आए तो उससे लिखाएं, तो उसमें भी गलत था, तो हम बोले सर इसमें भी तो गलत है, तो उसके बाद बोले कि तुमसे तो लाख गुना अच्छा है। उसके बाद सर मारने लगे, उसके बाद पूरा नीचे सीढ़ी से उतारने टाइम भी मारे। ठीक है, फ़ोन किया, बोला कि पापा आइए, पूरा बच्चा रो रहा था, पूरा हाँप रहा था बच्चा। फिर हम जल्दी स्कूल आए, स्कूल आने के बाद जो है देखें बच्चा की रो रहा है। ठीक है, तो हम बोले क्या बात है, बोले ऐसा ऐसा मारपीट हुआ है, तो उतना हमको पूरा डिटेल्स नहीं बताया। तब बच्चा को हम ले गए, ले जाकर दबाव देख करके जो है हम उसको घर ले गए। रात में इसके साथ जो है और भी बच्चा जो है वो लोग आकर के घर में बोला कि इसको पूरा सीढ़ी के सामने पटक पटक कर मारा है, जहाँ फुटेज कैमरा नहीं है उसका, ग्राउंड फ्लोर में भी पूरा मारा है। कहाँ चोट लगी है? चोट लगा है, कान में भी लगा है, कान से भी जो ब्लड निकला है, कपाल में भी जो है मतलब छिला गया है, और पूरा पीठ में भी पूरा दर्द। रात भर बच्चा एकदम परेशान था, तब हम लोग सवेरे स्कूल आए। टीचर ने क्या बोला? टीचर ने बोला कि आप लोग 2-3 आदमी आइए, उसका सोल्यूशन देखते हैं, फुटेज निकालेंगे, ये करेंगे। हम बोले बच्चा जब मर जाएगा उस टाइम आप फुटेज निकालिएगा, कल आप ऐसा क्यों नहीं क्विक एक्शन लिया? क्या चाहते हैं आप? हम वही चाहते हैं कि जो है इस तरह का घटना हो रहा है, तो हम लोग जो बोला कि टीचर को निकाल देंगे, वो बोला कि टीचर को निकाल देंगे, अभी बोला कि टीचर को निकाल देंगे। क्या नाम हुआ आपका? कृष्ण प्रसाद रावल। ये घटी कि क्लास चल रहे थे, टीचर डिक्टेशन दे रहे थे, तो बच्चा इंडिसिप्लिन में भी था, पहले से ही रुमाल वगैरह बांध के क्लासरूम में रखा था, तो थोड़ा सा बोले होंगे, इग्नोर कर रहा था, थोड़ा सा बच्चा ये कर रहा था। उसके बाद फिर डिक्टेशन में शायद नहीं लिखा हो, सारे क्लास लिख रहे तो वो नहीं लिखा था, तो क्लास 6 के बच्चे को लेके आए और बोले कि देखो ये कैसे लिखता है। तो जब वो लिखा तो सर क्लास 6 का बच्चा लिखा था, उसमें से एक दो वर्ड गलत हुआ था, तो बहस करने लगा टीचर से, तो टीचर उसी में थोड़ा भावावेश में आ गए और उनसे टीचर के साथ वो बहस करने लगा ना, वो सर ये भी गलती किया क्या, जो भी होगा वो तो नहीं पता, मारना उतना नहीं थे। फुटेज में हमने देखा है, 3-4 का जो फुटेज में है उसके अनुसार नहीं, गलत किए हैं, मैं आई एक्सेप्ट इट, मैं उस चीज को मानता हूँ, वो तरीका गलत है। ऑन द वे मेरा कभी इंस्ट्रक्शन नहीं था किसी टीचर को कि इस तरह से मारना, मेरा इंस्ट्रक्शन सिर्फ है उनको ले आके पेरेंट्स को कॉल करके बुला के दे देना। जब आप मान रहे हैं कि टीचर आपके गलत है तो क्या एक्शन लेने जा रहे हैं? निकाल देंगे उनको स्कूल से। माँ बाप आ रहे हैं और परिस्थिति बस हम हैंडल भी कर रहे हैं उसको, तुरंत इमीडिएट उनको सामने पेरेंट्स आए थे बुला के, उनसे माफी भी मंगवा, ऐसा नहीं वो एक्सेप्ट किए, अपने रियलाइज किए गलती को, कल पेरेंट्स आए थे, उसके बाद फिर इन लोग सामने ऐसा किए। लेकिन एक बैड इफेक्ट ये पड़ता है कि इतने पेरेंट्स अगर आते हैं तो बाकी उस मोहल्ले से बच्चे आते हैं, वो इस माहौल को देख के कल से हर टीचर से डरना छोड़ देंगे। तो मेरा बात करें, चूंकि कल का आपके बच्चे का भविष्य इस पे इफेक्ट होगा, वो डरेंगे नहीं, वो बोलेंगे कि कंटिन्यू तो हमारे पेरेंट्स आ ही जाते हैं बंच में और हमको क्या, स्कूल तो हमारे पॉकेट का स्कूल हो चुका है। नाम बताइए अपना। योगेश कुमार। सही है।